नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। ध्यान दीजिएगा, यदि आज का वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखते हैं और यदि आज के वीडियो को समझते हैं तो उपसहसंयोजी यौगिक नामक जो पाठ है वो आपको पूरा समझ आएगा और बहुत ही सरलता से समझ आएगा। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि आज के वीडियो में जो भी बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुनिएगा। और एक बात और याद रखिए, इसमें जितनी परिभाषा बताया जाएगा उसको आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा परिभाषा नहीं है, कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसको आप न समझें। बस आवश्यकता है इनको ध्यान से सुनने की। ध्यान दीजिएगा, इसमें जितने सारे मैंने शब्द लिखे हैं याद रखिए, ये इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं। आप सोच के देखो, यदि आपको गणित बनाना है और आप जोड़ना घटाना गुना भाग नहीं जानते तो क्या आप गणित बना पाओगे? बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार यदि आपको उपसहसंयोजी यौगिक को समझना है तो उसके लिए इन शब्दों से परिचित होना बहुत जरूरी है और ये बहुत सरल चीज होता है। ध्यान दीजिए, बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों, आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहे। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो हम सबसे पहले यह देख लेते हैं कि उपसहसंयोजी यौगिक किसे कहते हैं। इसको तो मैंने कल बताया था, जब हम किसी यौगिक को घोलते हैं पानी में तो वो अपने आयनों में टूटता है, लेकिन यदि ऐसा हो कि वो अपने पूर्णतः आयनों में न टूट के एक कोष्टक के रूप में मौजूद रहता है जिसको हम उपसहसंयोजी बोलते हैं, उपसहसंयोजी यौगिक बोलते हैं, तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो सारे शब्द हैं उसको मैं एक कोष्टक के माध्यम से आपको पूरा समझा दूंगा। ये जितने शब्द दिखाई दे रहे हैं वो आपको एक कोष्टक के माध्यम से समझ आएगा, ध्यान दीजिएगा, और आपको परिभाषा नहीं रटना पड़ेगा, इतना सरल है, बस ध्यान से देखिए। तो आइए देखते हैं हमें इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। देखो, पहला शब्द लिखा हुआ है समन्वयन मंडल, तो किसको बोलते हैं? तो जब हम उपसहसंयोजी यौगिक लिखते हैं, उपसहसंयोजी यौगिक मैंने कल ही पढ़ाया था, कल का वीडियो, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप लोगों से अनुरोध है कि वो वीडियो आप लोग जरूर देखें, क्योंकि उसके माध्यम से ही हम आज सीख पाएंगे। जैसे हमने कल बताया था Fe(CN)6 ऐसा कुछ हमने लिखा था और यहां पर हमने कुछ आयन लिख रखे थे, ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो ये जो बड़ा कोष्टक लिखा गया था, ठीक है, जो बड़ा कोष्टक जो लिखते हैं वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है समन्वय मंडल, समन्वय मंडल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इसी चित्र के माध्यम से हम ये जितने डेफिनेशन दिए हुए हैं, जितने परिभाषिक शब्द दिए हुए हैं, उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये उपसहसंयोजी क्षेत्र कहलाता है, तो इसके बाहर भी कोई शब्द रहेगा, है ना, जैसे K4 ऐसा रहेगा, तो यहां पर तो आयन नहीं रहेगा यदि ये लिखा है तब, और इसको नहीं लिखेंगे तब यहां पर क्या रहेगा? आयन रहेगा। तो चलो हम इसको अभी नहीं लिखते हैं फिलहाल। अब देखिए, इसमें जितने यहां पर और भी कोई भी शब्द आ सकता है, लेकिन हमने यहां पर नहीं लिखा है, कोई भी लिगेंड यहां पर और आ सकता है, ठीक है, यहां पर उसकी कोई भी संख्या रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से किन किन को क्या क्या बोला जाता है। सबसे पहले देखते हैं, ये जो कोष्टक दिख रहा है इसे ही क्या बोला जाता है? यही जो कहलाता है, ये उपसहसंयोजी यौगिक, उपसहसंयोजी क्षेत्र कहलाता है, ये देखिए, ये कहलाता है उपसहसंयोजी क्षेत्र, जिसे हम क्या बोलेंगे, इसे ही हम क्या बोलते हैं? समन्वय मंडल भी बोलते हैं, क्वार्टनेशन स्फेयर बोलते हैं, ठीक है, और इसी को उपसहसंयोजी क्षेत्र बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो बड़ा कोष्टक होता है और बड़े कोष्टक के अंदर जो भी संख्याएं लिखी होती है, जो भी स्पीसीज लिखी होती है, वो क्या कहलाता है? ये उपसहसंयोजी क्षेत्र कहलाता है। इसका मतलब ये जो बड़ा कोष्टक आपको जो दिखाई दे रहा है वही क्या है? ये उपसहसंयोजी क्षेत्र होता है, मतलब इसके अंदर जो भी होगा, स्पीसीज होगा, वो उपसहसंयोजी क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। अब ध्यान दीजिए, ये क्या कहलाता है? ये तो ये कहलाता है केंद्रीय धातु, ठीक है, या केंद्रीय आयन भी बोलते हैं, धातु बोलो या आयन बोलो एक ही है, केंद्रीय धातु या फिर केंद्रीय आयन, ठीक है। ये सामान्यतः संक्रमण तत्व ही होते हैं, है ना, संक्रमण तत्व मतलब डी ब्लॉक के तत्व ही होते हैं, और इसकी खासियत क्या होती है? संक्रमण तत्व में डी ब्लॉक होते हैं,
डी कक्षक होते हैं और इस डी कक्षक में रिक्त कक्षक होते हैं, है ना। तो रिक्त कक्षक के कारण ही ये क्या करता है, सहसंयोजी क्षेत्र बनाता है, सहसंयोजी करके क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो ये डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु। ध्यान दीजिए, हमने पहला क्षेत्र पढ़ लिया, जो बड़ा ब्रेकेट होता है उसको उपसहसंयोजी क्षेत्र बोलते हैं, ये हो गया आपका पहला। दूसरा यहां पर लिखा है केंद्रीय धातु आयन, ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु ये कहलाता है। तो ये देखिए, ये भी हो गया सेकंड नंबर केंद्रीय धातु, है ना, सेंट्रल एटम जिसको बोलते हैं, सेंट्रल आयन कहा जाए। तो ये होता है सेंट्रल एटम और ये प्रायः संक्रमण तत्व होते हैं। फिर देखिए यहां पर क्या लिखा है, संलग्नी या फिर लिगेंड। ध्यान दीजिए, सेंट्रल एटम जो है, केंद्रीय धातु जो है, जिन स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, ध्यान दीजिए इस पार्ट में आपको बार बार बताया जाएगा कि सेंट्रल एटम जो है लिगेंडो से इलेक्ट्रॉन तो लेता है, लेकिन वो कैसे लेता है, क्या सिंगल इलेक्ट्रॉन लेता है, नहीं लेता। अरे भाई, लिगेंड उसे ही कहते हैं जो जोड़े में इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि सेंट्रल एटम जो है लिगेंड से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या लेगा, जोड़े में लेगा। तो लिगेंड किसे कहते हैं, तो जो स्पीसीज क्या करे, जोड़े में इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या कहलाता है, लिगेंड कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, अब लिगेंड में एक बात और ध्यान देना है, जैसे CN लिखा हुआ है ना, यहां पर मैं और लिख देता हूं, ये जो CN लिखा है मतलब ये साइनाइड है, तो साइनाइड एक लिगेंड है। तो इसमें कोई ऐसा चीज है जो दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है जोड़े में, भाई तो इसमें जो जोड़े में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे कार्बन भी है और नाइट्रोजन भी है, तो इसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को डोनेट कौन करता है, ये नाइट्रोजन जो है डोनेट करता है ना, ये जो नाइट्रोजन है ये दो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है। तो ध्यान दीजिएगा, संलग्नी जो है हमेशा लिगेंड जो है जोड़े में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो प्रायः उसमें जो डोनेटर होगा वो, ध्यान दीजिए इसको आप लिख सकते हैं, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, या फिर कोई भी हैलोजन तत्व भी हो सकता है जो क्या करेगा, जोड़े में इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, ये क्या कहलाएगा, साइनाइड एक लिगेंड है, ये भी क्या है, क्लोरीन भी एक लिगेंड है, इसी प्रकार और बहुत सारे लिगेंड होते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, लिगेंड दाता परमाणु के आधार पर भी होता है और उसमें आयनों के आधार पर परिभाषित करते हैं। ध्यान दीजिए, इसको मैं आपको अभी फिलहाल स्टार्ट करने बता देता हूं कि लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। तो ये दाता परमाणु के आधार पर यदि हम करें तो ध्यान दीजिएगा, दाता परमाणु के आधार पर इसको हम क्या कह सकते हैं, जैसे एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, अगर उसमें एक दाता परमाणु ही हो, है ना, जैसे नाइट्रोजन ही डोनेट करता है और एक ही है, तो क्या कहलाएगा, एक दंतुरु लिगेंड। अगर उसमें दो दाता परमाणु है, एक नाइट्रोजन है और एक मान लिया जाए सल्फर या ऑक्सीजन और है, जो दो स्पीसीज हैं वो क्या करता है, अगर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा डोनेट करता है तो क्या कहलाएगा, द्विदंतुरु कहलाएगा। इसके मतलब अगर उसमें तीन दाता परमाणु है, एक नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन या कोई और चीज, तीन स्पीसीज जो है क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा डोनेट करता है तो क्या कहलाएगा, त्रिदंतुरु कहलाएगा। इसी प्रकार दाता परमाणुओं के आधार पर हम उसको परिभाषित कर सकते हैं कि वो कौन सा लिगेंड है, एक दंतुर है, द्विदंतुर है, त्रिदंतुर है या षड्दंतुर है, और कुल मिला के ये है, अगर एक से अधिक करता है तो उसको हम बहुदंतुर बोल सकते हैं। तो हम ये समझ गए कि लिगेंड जो है दाता परमाणु के आधार पर यदि हम परिभाषित करना चाहें तो जितना दाता परमाणु होते हैं उसमें, उसके आधार पर हम क्या कहेंगे, उसको लिगेंड कहेंगे। जैसे देखिए उदाहरण के लिए यहां पर हम साइनाइड की बात करते हैं, तो साइनाइड में दाता परमाणु कौन है, केवल नाइट्रोजन, कार्बन जो है दाता परमाणु नहीं है। तो कहने का मतलब ये कौन सा तंत्र होगा, ये एक तंत्र होगा। इसी प्रकार बहुत से और है जिसके बारे में हम जब लिगेंड का एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, याद रखिएगा लिगेंड के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है ना, तभी तो हम उसका IUPAC नामकरण कर पाएंगे। तो आज मैं केवल उसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। और एक और ध्यान दीजिएगा, लिगेंड को आयनों के आधार पर भी परिभाषित करते हैं, धनात्मक लिगेंड, ऋणात्मक लिगेंड और एक होता है उदासीन लिगेंड। इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम जो आवश्यकता है उसको देख लेते हैं। तो ये हो गया केंद्रीय धातु परमाणु, और ये जो दिख रहा है साइनाइड है या क्लोरीन है, इसको हम बोलते हैं लिगेंड। अब लिगेंड किसको बोलते हैं तो बता दिया गया है, लिगेंड किसको बोलते हैं, जो क्या करता है,
एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा क्या करता है, डोनेट करता है, उसे क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। तो देखिए लिगेंड भी हो गया हमारा। अब देखिए समन्वय संख्या क्या कहलाता है जी, ये भी बहुत सरल चीज है, समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ध्यान दीजिए केंद्रीय धातु परमाणु जो है जितने लिगेंडों से घिरा होता है, समझ आ गया, मतलब सेंट्रल एटम जो है, ये जो केंद्रीय धातु परमाणु जो है जितने लिगेंड से घिरा रहेगा, जुड़ा रहेगा कहने का मतलब। तो देखो ये कितने लिगेंड से अभी जुड़ा हुआ है फिलहाल, ये रफ मैं बनाया हूं, जैसे इसमें 6 लिगेंड दिख रहा है, और यदि यहां पर और लिगेंड है तब की बात है भाई, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, ये तो मैं रफ लिखा हूं ऐसे भी आवश्यकता नहीं है। तो जितने लिगेंड से, जैसे यहां पर देखो 6 लिगेंड से जुड़ा हुआ है और ये क्या है 2 लिगेंड से, और तो इनकी समन्वय संख्या कितना हो जाएगा, तो इनका समन्वय संख्या कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा यहां पर हमने अभी ओरिजिनल नहीं लिखा हुआ है, मूल तत्व नहीं लिखे हैं, है ना, मूल तत्व लिखेंगे तो उसकी बात अलग होगी, अभी मैं लिख के बताऊंगा अभी। तो ये जो संख्या दिख रहा है ध्यान दीजिए, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है समन्वयन संख्या, ठीक है। याद रखिए कई बार परिभाषा में पूछ दिया जाता है उपसा संयुजी यौगिक में समन्वय संख्या किससे कहते हैं, तो क्या कहेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु जितने लिगेंडों से घिरा होता है उस लिगेंडों की जो संख्या होती है वही क्या कहलाता है, समन्वय संख्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इधर आ जाइए, देखिए समन्वय संख्या हमने लिख लिया, अब देखिए आयनीकरण क्षेत्र या फिर कोष्टक, तो ये आयनीकरण क्षेत्र या कोष्टक किसे कहेंगे, अब ध्यान दीजिए यहां पर इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहां पर मान लिया लिखा हो K4, ठीक है, तो K4FeCN6 है एक्चुअल में, अब ये सही लिखा है भाई, ये ओरिजिनल है। ध्यान दीजिए दोस्तों इन चित्र को आप लोग बना लीजिएगा, इसके आधार पर आपको ये सारे चीज याद हो जाएंगे, आपको परिभाषा रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखिए यदि ये ऐसा लिखा है तो ब्रेकेट के बाहर भी कोई स्पीसीज रहता है, जैसे यहां पर देखिए ये दो प्रकार के हो सकते हैं, ये प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर देखिए ये कौन सा है, यहां पर देखिए K4 लिखा है, हम जानते हैं कि पोटेशियम पहले वर्ग का तत्व है, तो ये प्लस होगा और ये क्या होगा, माइनस होगा, मतलब जब हम इसको क्या करेंगे तोड़ेंगे तो ये क्या होगा, K प्लस, यहां पर 4 बार आ जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, FeCN6 और ये हो जाएगा -4। ये ऐसा ही टूटता है, मैंने बताया था ना, अब देखिए ये अपने आयनों में टूटेगा क्या, नहीं टूटेगा, इतना ही टूटता है और इसे ही क्या बोला जाता है जी, इसे ही तो उपसंयोजी यौगिक बोला जाता है ना, ये उपसंयोजी कहलाता है और ये जो है उपसंयोजी यौगिक कहलाता है ना, ये तो उपसंयोजी संकुल आयन कहलाता है, संकुल यौगिक कहलाता है, और ये तो पूरा जो है वो क्या कहलाता है, उपसंयोजी यौगिक कहलाता है। अब ध्यान दीजिए ये पर, यहां पर देखिए तो आपने ये देखा कोष्टक के बाहर भी कोई स्पीसीज रहता है, ठीक है, तो कोष्टक के बाहर जो है ये देखिए ये वाला भाग, इसे ही हम क्या कहेंगे, इसे ही कहा जाता है आयनीकरण क्षेत्र, या फिर इसको क्या बोला जाता है, कोष्ठ भी बोला जाता है। तो आप याद रखिएगा ये जो भाग है कोष्टक के बाहर, ये बाहर इधर भी हो सकता है, अगर इधर माइनस कोई चीज होता, क्लोरीन 3 कुछ भी होता, तो कोष्टक के जो बाहर है, अब देखिए ये प्लस है तो क्लोरीन क्या है, माइनस है, कोष्टक के बाहर होना चाहिए वो, है ना, ब्रैकेट के बाहर हो, किसके, उपसंयोजी क्षेत्र के जो बाहर होगा उसे ही क्या बोला जाता है, आयनीकरण क्षेत्र बोला जाता है। क्यों आयनीकरण क्षेत्र बोलते हैं, वो तो नाम से समझ आ रहा है कि कोष्टक के बाहर जो संख्या होगा, जो स्पीसीज होगा, वो क्या होगा, आयन होगा, जैसे धनायन है और ये ऋण आयन है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, यहां पर मैं लिख देता हूं उसको, इसको लिखेंगे आयनीकरण क्षेत्र, ठीक है, या फिर कोष्ठ, ठीक है। तो इस प्रकार हम जो आयन के, जो बड़े कोष्ठक के बाहर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आयनीकरण क्षेत्र बोलेंगे। अब ध्यान दीजिए यहां पर फिर आ जाते हैं, उसके बाद लिखा है संकुल आयनों पर आवेश। अब ध्यान दीजिए संकुल आयनों पर आवेश किसे बोलेंगे जी, ये देखिए जब हमने उपसंयोजी यौगिकों को क्या किया, तोड़ा, तो यहां पर देखिए यहां पर जब प्लस आयन आया कितने बार, 4 बार, हालांकि पोटेशियम में 1 बार आया लेकिन ये टोटल कितने बार है, 4 बार, तो इसमें कितने बार माइनस आयन आ गया है, देखिए यहां पर कितने बार आया, 4 बार। तो ये जो आयन दिख रहा है, यहां पर जो आयन बनता है, ठीक है, वही क्या कहलाता है, संकुल आयनों पर आवेश, अर्थात ये वाला भाग जो है संकुल आयनों पर
आवेश है, मतलब यहां पर आयन जो बनेगा, ठीक है। और ये आयन कब बनता है, जब हम उसको क्या करते हैं, संकुल आयनों में तोड़ते हैं, संकुल यौगिकों में तोड़ते हैं, तब यहां पर क्या बनता है, आयन बनता है, ठीक है, इज मोस्ट आईएमपी है। और याद रखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, आपको इस प्रकार तोड़ने आना चाहिए, जब आप आईयूपीएसी नामकरण कर रहे होंगे ना, तब इसको आप तोड़ोगे और इसके आधार पर ही ऑक्सीकरण संख्या निकलता है, और आपका जो अगला पॉइंट है वो क्या है, ऑक्सीकरण संख्या। इसका मतलब निश्चित है कि हम ऑक्सीकरण संख्या किसके आधार पर निकालेंगे, तो इसके आधार पर ही निकलता है। इसका मतलब ये जो आयन होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब आखिरी में आ जाते हैं ऑक्सीकरण संख्या, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीकरण संख्या हम किसका निकालते हैं जी, सेंट्रल एटम जो होता है उसका। यहां पर ध्यान दीजिए, मैं कोई भी संख्या लिख दे रहा हूं, लेकिन यहां पर जो भी संख्या आएगा उसे ही क्या बोला जाता है, इसी ये देखिए, इसे ही ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या बोला जाता है, ठीक है, किसको बोला जाता है, समझ आ गया ना। यहां पर केंद्रीय धातु परमाणु पर जो आयन आता है उसे ही क्या बोला जाता है, ऑक्सीकरण संख्या बोला जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों देखिए, हमने एक कोष्टक के माध्यम से ही सारे जो परिभाषा है उसको बहुत ही सरलता से सीख लिया। ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि आज का वीडियो आप समझ जाते हो तो निश्चित रूप से आपको यह पाठ बहुत ही सरल लगेगा और आपको आईयूपीएसी नामकरण करने में कोई परेशानी नहीं होगी। आइए मैं आपको यह बता देता हूं कि ऑक्सीकरण संख्या है क्या, इसको कैसे निकालते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से, मैं इसी उदाहरण के माध्यम से आपको समझा देता हूं कि ऑक्सीकरण संख्या इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों हम बिना ऑक्सीकरण संख्या के आईयूपीएसी नामकरण नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए मैं इनको आपको समझा देता हूं ताकि आपको बिल्कुल भी डर ना लगे कि आईयूपीएसी नामकरण करने में हमें कठिनाई होगी, बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे इसका मैं उदाहरण बता देता हूं, तो आइए दोस्तों हम ये देख लेते हैं कि आयन और ऑक्सीकरण संख्या अलग अलग क्यों है, ध्यान दीजिएगा। जैसे अभी मैंने उदाहरण लिखा था उसी के आधार पर मैं आपको बता देता हूं, K4Fe(CN)6 इतना रहता है और इनका ही हमें क्या करना रहता है, आईयूपीएसी नामकरण करना रहता है। तो उसके लिए क्या आवश्यक है, इनका जब तक हमें ऑक्सीकरण संख्या पता नहीं होगा सेंट्रल एटम का, तब तक हम आईयूपीएसी नामकरण नहीं कर सकते। तो इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होता है उसको कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जिनका ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं उसको हम एक्स मान लेते हैं उदाहरण के लिए, जैसे मैंने एक्स मान लिया, और यहां पर जो संख्या दिखाया जिसको हमने समन्वय संख्या बोला है उसको यहां पर लिख देंगे, और जो लिगेंड होता है उसमें कौन सा चार्ज होता है, तो साइनाइड में -1 चार्ज होता है उसको लिख देंगे। और यहां पर आप ध्यान दीजिए, यहां पर बराबर लिखना है। अब यहां पर जैसे मुझे पोटेशियम दिया हुआ है, तो जिसका मुझे आयन निकालना है, ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, उसका मैं यहां पर क्या लिख लूंगा, एक्स लिख लूंगा। और यदि ऐसा दिया हो तो पोटेशियम कितने बार आया है, 4 बार, और पोटेशियम में कौन सा आयन होता है, +1, इस प्रकार लिखेंगे और बराबर 0 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको जब हम हल करेंगे तो कैसे होगा, ये देखिए, ये हो जाएगा +4 एक्स और -6 बराबर कितना आ गया, 0। अब 4 देखो, 4 और 6 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा, एक्स -2 इज इक्वल टू 0। तो एक्स का मान कितना आया जी, ये आ जाएगा यहां पर जाएगा तो +2। इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या इसका कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब ध्यान दीजिए, यदि इसी को हम जब इसको तोड़ते हैं तो कैसे लिखते हैं, देखिए ये आयन के रूप में कैसे लिखते हैं इसको, Fe(CN)6, और यहां पर लिखते हैं 4- आयन, तो पोटेशियम को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। जब हम आयनों का ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं तब भी उतना ही आएगा भाई, लेकिन इसके लिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे, हम केवल इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे ना। ध्यान दीजिएगा, बहुत सरलता से आपको समझा रहा हूं, जब हमें केवल इतने का ऑक्सीकरण संख्या निकालना हो तब भी उत्तर उतना ही आता है। तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखिए, यहां पर यदि हम किसी आयन का ऑक्सीकरण संख्या निकाल रहे हैं तो हमें यहां पर क्या करना है, 0 ना लिख करके जो आयन दिया रहता है, ध्यान दीजिएगा, जो आयन दिया रहेगा उसको लिख देंगे, यहां पर चिन्ह सहित लिखना है भाई, ठीक है। जैसे यहां पर कितना था, -4 था, और यहां पर जो पोटेशियम वाला भाग है वो नहीं आएगा,
ये दे, ठीक है। फिर इसको जब हम हल करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो आंसर है वो उतना ही आता है। कैसे, ये देखिए, एक से कमान बराबर, यहां पर माइनस फोर पहले था, माइनस सिक्स उधर जाएगा तो प्लस सिक्स हो जाएगा, तो एक से कमान कितना आ जाएगा, देखिए आप लोग, ये देखिए। तो इस प्रकार हम आक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। दोस्तों आक्सीकरण संख्या निकालने के लिए, इसके लिए भी मैं एक मस्त वीडियो लाऊंगा, जिसको आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है। उसके लिए कुछ तत्वों के जो आक्सीकरण संख्या है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे इसका मैं कैसे निकाल पाया, जब मुझे पोटेशियम का पता था और साइनाइड का पता था, है ना। तो आपको कुछ तत्वों के जो है आक्सीकरण संख्या पता होने चाहिए, जो बहुत ही सरल तरीके से याद हो जाता है। इसको आपको रटने की आवश्यकता नहीं होती है, जब हम पढ़ते जाएंगे तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम आक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। उसके लिए आवश्यक है, यदि आयन दिया हो तो बराबर में आयन लिखना चाहिए, और आयन नहीं दिया हो तो जितने स्पीसीज दिया है उनके आक्सीकरण संख्या को क्या करेंगे, हम जोड़ते जाएंगे और बराबर जीरो लिखेंगे। लेकिन जिनका हमें निकालना होता है, जैसे सेंटर एटम का, तो उसके जगह हम क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे। और इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, आक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। और इसी के आधार पर दोस्तों आईयूपीएसी नामकरण होता है। जैसे ये क्या है बताओ, इसका अगर मैं आईयूपीएसी नामकरण करूं तो अभी क्या कहूंगा, हालांकि अभी आपने पाठ पूरा पढ़ा नहीं है तो आपसे यह नामकरण नहीं हो पाएगा, लेकिन जब पढ़ लेंगे तब हम उसी के आधार पर नामकरण करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट। लेकिन इसमें लास्ट में डंडी लगाना होता है, दो डंडी, तीन डंडी, चार डंडी, कितने डंडी लगेगा इस मोस्ट टाइम पे, जब तक वो आप नहीं लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, है ना। बहुत महत्वपूर्ण है भाई वो डंडी जो है। तो कैसे होगा इसका नामकरण, तो क्या होगा, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट, उसके बाद क्या होगा, जितना आयन आया रहेगा, देखो जैसे कितना था, दो, तो आपको दो डंडी लगाना होगा, ठीक है। ऐसा लिखने के बाद इसका मतलब क्या हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट सेकंड। अब आयन मत लिख देना वहां पर, आयन कब लिखेंगे, जब इस प्रकार के जो प्रश्न दिया रहेगा, ऐसा दिया रहेगा ना, तब हम उसको बोलेंगे आयन लिखेंगे। लेकिन आयन ना दिया हो तो ये लिखना जरूरी है, लेकिन आयन शब्द का प्रयोग, ये देखिए, ये वाला शब्द का प्रयोग नहीं करना है, बस इतना लिख देना है, ठीक है। ये शब्द लिख देंगे और आयन शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन इस प्रकार आया हो जिसमें आयन लिखा हो तब हम आयन शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को बहुत सावधानी से एक बार पुनः देख लीजिएगा, क्योंकि इसी वीडियो पर पूरा पाठ निर्भर करता है। तो मेरा एक अनुरोध जरूर रहेगा कि इस वीडियो को एक बार पुनः आप लोग देख लीजिए, ताकि आप कंफर्म हो जाएं कि आपको ये सारे जो डेफिनेशन है वो समझ आ चुका है। इसी के आधार पर हमें ये पूरा पाठ समझ आने वाला है। तो दोस्तों यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि सभी बच्चे जो है इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।